बाहर से स्किन को अच्छा बनाने के लिए हम बहुत सारी क्रीम्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, DIY, जो जिसने भी जो कुछ बताया सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, और जब रिजल्ट्स नहीं मिलता तो बोलते हैं यार ये प्रोडक्ट ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है। वो प्रोडक्ट ख़राब नहीं है, आपकी जो अंदर से हेल्थ है वो ख़राब है, आपका डाइजेशन ख़राब है और आपका जो पेट है वो क्लीन नहीं रहता है, इसलिए ये सारी चीज़ें असर नहीं करती हैं और आपकी स्किन पे ग्लो नज़र नहीं आता है, आपके बाल भी रूखे सूखे डैमेज नज़र आते हैं। अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी स्किन प्रॉब्लम फ्री रहे, बाल अच्छे रहें, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अंदर से अपने बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना। उसके लिए मार्केट में बहुत सारे ड्रिंक्स अवेलेबल हैं और मैं ऑलरेडी एप्पल साइडर विनेगर का रिव्यू कर चुकी हूँ और मैं एलोवेरा जूस भी लेती हूँ और अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से ये नीम जूस यूज़ कर रही हूँ, ये है अल्प्स कुलनेस का नीम जूस। तो मैं नीम ऑयल यूज़ कर चुकी हूँ, नीम पाउडर यूज़ कर चुकी हूँ, नीम टैबलेट्स यूज़ कर चुकी हूँ। ये जो ड्रिंक है बहुत अच्छा होता है अगर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो नीम के बेनिफिट्स की बात करूँ तो इसके तमाम बेनिफिट्स हैं, इसमें होती है एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी सेप्टिक, एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, जिससे कि ये स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट नीम जूस लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है। स्किन की बात करूँ तो ये स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। एक्ने प्रोन स्किन है तो बिल्कुल इसको एक बार यूज़ करना ही चाहिए। हेयर को हेल्दी बनाता है, शाइनी बनाता है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, हेयर फॉल में हेल्प करता है, साथ ही डाइजेशन को बेहतर बनाता है और ब्लड प्यूरीफायर का भी काम करता है। तो ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये अल्प्स कुलनेस का प्रोडक्ट है इसलिए आपको पर्पल की साइड पे इजीली मिल जाएगा। और ये 300 ml का पैक है, इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 100 rupees का है और 100 rupees में ऐसे ड्रिंक्स किसी भी ब्रांड में आपको नहीं मिलेंगे। 100 rupees का है और मुझे सिर्फ 60 rupees में मिला, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स पर्पल पे चलते रहते हैं। बात करते हैं ये प्रोडक्ट क्या क्या क्लेम करता है। तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें और कोई भी अलग से शुगर, विटामिन, मिनरल्स इसमें मिक्स नहीं किए गए हैं। और इसको आप 18 months तक यूज़ कर सकते हो। इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात करूँ तो एनर्जी इसमें 51.04 कैलोरीज है, फैट की बात करूँ तो फैट नहीं है, प्रोटीन 0.31 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 12.45 ग्राम्स है, शुगर इसमें ऐड नहीं है, सोडियम की बात करूँ तो 18.70 mg इसमें यूज़ किया गया है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो 100 ml के अकॉर्डिंग इसमें जो नीम जूस है वो 98 ml यूज़ किया गया है। एसिडिटी रेगुलेटर है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स को एनहेंस करती है और जेल कंसिस्टेंसी को इंक्रीज़ करती है, इसीलिए बाहर के जो भी आपने जूस देखे होंगे वो थोड़े से जेल फॉर्म में होते हैं, वो इसी के कारण होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स की बात करूँ तो इसमें E202, E211 यूज़ किया गया है, ये सोडियम बेंजोएट है जो कि एसिडिक होती है और विनेगर्स में, सैलड्स की ड्रेसिंग्स में, पिकल्स जो मार्केट के होते हैं उनमें यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं इसको लेना कैसे है। तो जैसे कि ये नीम जूस है तो काफ़ी कड़वा है, टेस्ट तो अच्छा होगा नहीं क्योंकि इसमें अलग से कोई चीज़ें यूज़ नहीं की गई हैं, तो आप इसमें लेमन या हनी मिक्स कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट लेती हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि आप इसको एम्प्टी स्टमक लीजिए, मैं इसको एम्प्टी स्टमक नहीं ले पाती हूँ, इसलिए मैं इसको खाना खाने के 1-2 घंटे पहले या खाना खाने के 1-2 घंटे बाद मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी भी ले लेती हूँ, तो आप भी ऐसे ले सकते हैं। और ये इसका मेज़रिंग कप दिया हुआ है, 10-15 ml इसकी क्वांटिटी आपको लेनी है, ल्यूब वॉर्म वाटर में डाइल्यूट करना है। मैं कहूँगी थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी ले लेना जिससे कि इसका जो कड़वा टेस्ट है वो कम हो जाएगा। और स्टार्टिंग में आप 5-10 दिन सिर्फ 5 ml लीजिए, फिर धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। बिना डाइल्यूट किए इसको नहीं लेना है, हमेशा डाइल्यूट करके ही पीना है। आप इसको 1 time भी ले सकते हैं, 2 time भी ले सकते हैं, पर मैं कहूँ कि 1 time ही सफिशिएंट है और 1 time ही लेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। तो मैं इस जूस को 10-15 दिन हो गए हैं एवरीडे ले रही हूँ, जो मुझे चेंजेस नज़र आए वो ये कि मेरा डाइजेशन काफ़ी अच्छा हो गया और जो स्किन हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो डाइजेशन के कारण भी होती हैं, तो डाइजेशन अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। और
तीन चार दिन में कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, पर जब आप इसको रेगुलर थोड़े ज़्यादा दिन तक यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन की जो टेक्सचर है उसमें भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है उसमें भी चेंजेस नज़र आएंगे, पर कंप्लीट रिजल्ट्स मिलने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप अगर और सारे ड्रिंक्स भी लेते हैं तो इसको अल्टरनेट डेज पे ले सकते हैं, और अगर आप इसको एवरीडे नहीं ले पाते हो तो ट्राई करो कि वीक में 2 से 3 बार ज़रूर इसको पीने की कोशिश करो, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएँ। ये कोई मेडिसिन नहीं है, इसको आप डाइटरी सप्लीमेंट के जैसे ले सकते हैं, हर कोई इसको ले सकता है। अगर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपको हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपको कोई इन्फेक्शंस वगैरह हैं, तो ये एंटी एलर्जिक होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होता है, तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हो, काफ़ी हेल्प करेगा ये आपकी। बिल्कुल इसको एक बार ट्राई करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।